बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इसको लेकर के हम और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिल करके दिन रात मेहनत करके बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। रोजगार का आपका जबरदस्त बड़ा मुद्दा था। हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हमारी बात हुई है उनसे और हम लोग इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। जल्दी ही आप लोगों को एक महीने के अंदर जो है नौजवानों के लिए रोजगार की जहां तक बात है, नौकरियों की बात है जहां तक सरकारी, वो लोगों को मिलेगा। सर बीजेपी करिए, अगर आपने रोजगार से बात की आपने तो धरने पे बैठ गई है बीजेपी, धरने पे बीजेपी बैठ गई है, धरना पर नहीं बैठेंगे। राजघाट उनके बारे में हम क्या कहें, बैठे रहने दीजिए। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में, अरे इतना तो उनको बोलिए वहाँ भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजे भाग तो दिलाए। सर कितनी मजबूती से सरकार चलेगी, एक बार एक मिनट एक सवाल सर, मजबूती के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए आप डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे अपने वादे पूरे करेंगे जो पहले किए थे? आप देखिए तो समय बताएगी, जो कमिटमेंट हमने किया था 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है और सभी बातों से वो सहमत है और जल्द ही एक दो महीना में जहाँ तक रोजगार नौकरियों की बात थी वो हम लोग पूर्ण करेंगे।